बोलवे नहीं करते, खाली बोलता है कि मतलब हो जाएगा, कुछ करते हैं नहीं। तो आपने बोला नहीं कि 5-6 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं सुनते हैं, फिर मांगते थे कि मतलब लिख के ला वो खाली, अब फोटो उटू ले ली ना, फिर कुछ नहीं करते। कौन थाना गए? ये फुलवाड़ी थाना, मेहरबानी करके मेरे बच्चे को वो खबर कर दें, हमको बच्चा के मतलब भेज दें। अब बाबू भी मेरा जहाँ भी सुन रहा है, मेरा बच्चा छोटका बेटा मेरा इरशाद बाबू, माँ के चल आओ घर अच्छा से अपना बढ़िया से, छोटका बाबू मेरा इरशाद। IVTV देखता है इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं IVTV और मैं हूँ श्रद्धा। IVTV के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हमारे साथ इस वक्त एक बेबस माँ है और एक बेबस भाई है जो हमारे सामने अपनी पीड़ा लेकर पहुँचे हैं। इनकी जो दुख है वह सुनकर आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो जाएंगे। एक बेबस माँ है जो अपने बेटे को पिछले 5-6 साल से ढूंढ रही हैं। इन्हें जब इन्हें कहीं भी किसी तरह का मदद नहीं मिला तो आज ये हमारे पास हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी तक ये बात पहुँचाने चाह रही है। इन्हें लगता है कि हमारे चैनल के माध्यम से ये बात आप तक पहुँचेगी और इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनका बेटा इनके पास वापस आ जाएगा। आइए हमारे साथ सारी बातें जो हैं हम माँ और भाई दोनों से जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम बेबी नाज है। क्या हुआ क्या आपके साथ ये बताइए। मेरा बच्चा 4-5 साल से ना लपाता है, कोई पता नहीं मेरे बच्चे के है। क्या नाम है आपकी बेटी का? मेरा बच्चा के ज़्यादा बोलते थे उसको बाबू, नाम है इरशाद। इरशाद नाम है। तो कब ऐसा कब हुआ, मतलब 5-6 साल कितने उनका उम्र कितना हो रहा था 5-6 साल पहले? 17 साल होता होगा। 17 साल। कौन सी कक्षा पढ़ाई करते थे? इंग्लिश के परीक्षा दी है, पास हो गया है इंग्लिश से। और फिर उसके बाद कोई पता ना है कहाँ, कौन ले गया है, कहाँ चल गया है। आपको किस पे शक है, क्या लगता है खुद से कहीं चले गए है? इतना दिन से परेशान है, अब कोई पता ना है मेरे बच्चा के कहाँ है। क्या लगता है आपको, कोई कहीं चले गए, बदमाशी में कहीं चले गए या फिर कोई अपहरण कर लिया, क्या लगता है आपको? हमको ये है कि बच्चा जो है कि हमको शक तो कोई पर नहीं है, यही है कि कौन कहाँ ले गया, कहाँ चल गया, कोई पता ना है मेरे बच्चा के। नाम है इरशाद और बाबू बाबू ज़्यादा उसको बोलते थे। रमजान में गया है, अभी लोग कोई पता नहीं। तो इस बीच में आपकी बेटी की कोई खबर आपको नहीं? कोई खबर नहीं मिला मेरे बाबू के। या कोई आपसे कोई आगे आके आपसे बात करने की कोशिश की आपके बेटे को लेकर? कुछ भी नहीं, कुछ पते नहीं है कि मेरा बच्चा कहाँ है। कितने लोग हैं आप लोग घर में? रहते हैं, हमको रोता जिंदगी कट रहा है मेरा बच्चा के लगे, अभी लोग कोई पता ना। कितने लोग हैं आप लोग घर में? हम लोग हैं 7 को परिवार, तो उसमें 1 मेरा बच्चा ना है, 6 है। तो कब आप हमको पूरी डिटेल में बता सकते हैं क्या हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था, मेरा बच्चा वहाँ पर मोहल्ले में खड़ा हुआ था, तो वही मतलब वहीं से फिर सुना कि मेरा बच्चा नहीं है। 1 वहीं पर ही मतलब कोई लड़का था, तो उसको कहा कि अरे बाबू लेके चलो मेरा बच्चा के, तो वो फिर चल आया। फिर हमको बच्चा के मतलब ये ना है पता कि कौन कहाँ ले गया। आपकी कोई तस्वीर है आपके पास आपके बेटे की? हाँ है, फोटो है। दिखाइए। कहाँ लीजिए, मैं कैमरे पर्सन से बोलूँगी कि तस्वीरों को दिखाएं। थाना वाला तो खैर, आपने पुलिस में शिकायत की या नहीं? हाँ की है, तो ना कुछ की है थाना वाला। FIR है आपके पास? हाँ होगा। कितनी बार गए इस बीच में आप लोग पुलिस स्टेशन? बात लोग जाता था कम से कम कई एक बार गए, 4-5-6-7-10 बार गए होंगे। क्या बोले पुलिस वाले, क्या बोले? वो कुछ बोलवे नहीं करते, खाली बोलता है कि मतलब हो जाएगा, कुछ करते हैं नहीं। तो आपने बोला नहीं कि 5-6 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं हुआ? नहीं सुनते हैं, फिर मांगते थे कि मतलब लिख के ला वो खाली, अब फोटो उटू ले ली ना, फिर कुछ नहीं करते। कौन थाना गए थे? ये फुलवाड़ी थाना। तो अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं करते हैं, तो फिर हमको यहाँ आवे पड़ा। तो आइए एक बार हम इनके जो बच्चा जो गुम हुआ है उनके बड़े भाई से बात करते हैं। आप बताइए आपका नाम?
मेरा नाम मोहम्मद शहजाद आलम है। क्या आप लोग पुलिस के पास कब गए, कितने दिन के बाद आप लोग पुलिस में FIR करने गए? ये 15/7/2015 की घटना है, उसके एक दिन के बाद हम लोग पुलिस के पास FIR करवाने गए थे। उसके बाद हुई पुलिस भी अपनी तरफ से जो भी हो सका किया, और फिर हम लोग ने गांधी मैदान थाना, SP थाना, फुलवाड़ी ब्लॉक, सभी जगह हम लोग तलाशे, यहाँ तक कि रेलवे, RPF वगैरह सभी जगह फ़ोटो दिए, और सभी जगह मतलब कि फेसबुक, ट्विटर, सारा सोशल नेटवर्किंग पर अपना जो भाई का है सभी जगह डाल दी, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है? ऐसा लगता है हमको कि मेरे भाई को शायद किसी के अंडर में फंस चुका है, मान लिया जाए खुद से किया हो या मतलब कि या किसी के थ्रू चला गया होगा, कैसे भी चला गया। अच्छा ये बताइए, आप उसके उनके बड़े भाई हैं, व्यवहार कैसा था उनका, क्या मतलब नेचर कैसा था उनका? एकदम शांत लड़का था, सिर्फ अपने काम से मतलब रखता था और परिवार से मतलब रखता था। इससे पहले भी कभी कोई इनके जाने कहीं घूमने चले गए या कुछ भी, ऐसे कोई खबर, कोई मतलब कभी? हाँ, एक बार घूमने के लिए वो अपने नानी के यहाँ करता था, चला गया था, तो फिर अपने मन से चला गया था, तो बोला कि सही चले गए थे, फिर वापस उसको खुद से चलाया, RPF वाला विदाउट टिकट गया था, तो RPF वाला पकड़ा उसको और फिर वापस लेके चलाया। और घर से कोई सामान ले जाने का कुछ भी, ऐसा कोई घर से कुछ सामान ले गया? नहीं नहीं, नील गया एकदम, जीरो, कुछ नहीं, सही सिर्फ वो कपड़ा पहन के जो पैंट शर्ट होता है, ब्लू पैंट, ग्रीन पैंट था और चेक वाइट में शर्ट पहना हुआ था और हवाई चप्पल था। मेहरबानी करके मेरे बच्चे को खबर कर दें, हमको बच्चा के मतलब भेज दें घर पर ही कि हाँ यहाँ है, फुलवाड़ी में घर है मेरा बच्चा के, चल आवे मेरा बच्चा। अब बाबू भी मेरा जहाँ भी सुन रहा है, मेरा बच्चा छोटका बेटा मेरा इरशाद बाबू, माँ के चल आओ घर अच्छा से अपना बढ़िया से, छोटका बाबू मेरा इरशाद मेरा बच्चा चल आओ घर, कहीं पर भी हो तो मेरा बच्चा घर वापस चला। मेरा माँ बहन जो भी है, मेरा आप दोस्त, आप मेहरबानी कीजिए मेरा बच्चा पर, मेरा बच्चा के कहीं पर भी देखे तो मेरा बच्चा के घर भेज दीजिए। हम आप लोग के नमस्ते। पुलिस की तरफ से कोई मदद मिली या नहीं? पुलिस की तरफ से हम लोग तो गए थे पुलिस के पास फुलवाड़ी थाना में FIR करने के बाद, वहाँ भी 3-4 बार गए, तो वो लोग मतलब कि केस पे केस, मतलब कि कभी किसी और को हाथ, किसी और के हाथ में, किसी और के हाथ में देते, वहाँ से जब नहीं हम लोग को हुआ तो हम लोग गांधी मैदान थाना पुलिस मनु महाराज से भी मिलने गए, तो वहाँ भी नहीं कुछ हुआ, फिर वहाँ से वो बोला कि फुलवाड़ी ब्लॉक में चले जाइए SP से मिलने के लिए, वहाँ भी गए तो वहाँ भी अभी तक, लेकिन थाने पुलिस की तरफ से हम लोग को कोई मदद उतना नहीं मिली है जितना उम्मीद है। कब किए थे FIR हम लोग? जिस दिन मेरा भाई पंद्रह में ही किए थे, जिस दिन मेरा भाई 7/7/2015 में जिस दिन मेरा भाई गायब हुआ था, उसके कल होके 8 तारीख को हम लोग FIR करवाए थे। तो आज तक कोई खबर नहीं पुलिस की तरफ से? खबर नहीं मिला पुलिस की तरफ से। और आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्या कुछ गुहार लगाना चाहेंगे अपने भाई को? चैनल के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो मैं चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए कष्ट उठाए और ये सब किए, और मीडिया वाले को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी हो मेरा भाई देख रहा होगा या जिसके अंडर भी हो, उसके मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया करके उसको इसके बारे में बताए और वो जल्द से जल्द मेरा भाई घर वापस आ जाए। इधर रिसेंट में आप लोग थाना गए क्या? जी नहीं, इधर रिसेंट में नहीं गए अभी हम लोग। जाना चाहिए था, हम लोग बहुत बार जा चुके हैं, तो थानेदार के पास जाकर हम लोग थक चुके थे, तो सोचे कि अब देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, उम्मीद यही था। तो आप लोग उम्मीद हार चुके हैं? लगभग उम्मीद हम लोग हार चुके हैं, 6 साल हो चुका है भाई का गिया हुआ, तो उम्मीद का तो कोई है नहीं, ऐसा उम्मीद है कि मेरा भाई है, कन्फर्म है, बस आने की उसकी विनती कर रहे हैं, जल्द से जल्द आ जाए तो अच्छी बात है। जी आप क्या गुण? हम गुहार लगाना चाह रहे हैं कि हमको बच्चा जल्द से जल्द जितना जल्दी चला हुए, मेरा माँ बहन भाई जो भी देखे तो मेरा बच्चा के घर भेज दे। अपनी बेटी इरशाद से कुछ कहना चाहिएगा? हाँ, हम बाबू इरशाद जहाँ भी हो
माँ के देख के घर वापस चले आओ, इरशाद घर चल आओ। जहाँ भी हो मेरा छोटका बेटा बाबू इरशाद बाबू घर वापस चलाओ, घर माँ के देख के घर चलाओ बाबू मेरा। तो आपने देखा और सुना एक बेबस माँ और एक बेबस भाई की दुख भरी कहानी। आपने देखा ये कितना ज़्यादा बेबस है। पिछले अपने 5-6 साल से इनका जो भाई है, इनका जो बेटा है, वह इन्हें नहीं मिला है। इन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद है कि इनका जो बेटा है वह अभी भी है और जल्द से जल्द इनके पास वापस आ जाएगा। IVTV के माध्यम से हम भी आपसे गुहार लगाते हैं और कहना चाहते हैं कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि इनका जो बेटा है अगर किसी को मिलता है, किसी को दिखता है, तो इनके घर वापस आ जाए। और हम इनके बेटे इरशाद से भी गुहार लगाना चाहते हैं कि आपके घर वाले, आपकी माँ, आपका भाई आपका इंतज़ार कर रहा है इरशाद, आप जल्द से जल्द अपने घर वापस आ जाएँ। कैमरा पर्सन सोनू के साथ श्रद्धा, IVTV पटना।